आप देखोगे साथियों, रूह कपा देने वाला जो वाकया माला खेड़ा जो पुलिस थाना जिला अलवर की पुलिस ने जो हरकत की है बड़ी ही शर्मनाक है। अभी कुछ देर पहले हमारी टीम ने, भीम सेना टीम ने, अलवर जिला टीम ने, वहां के जिलाध्यक्ष कमल सिंह जी ने, हमारे अनिल तिड़दिया जी जो कि भीम सेना संस्थापक हैं सीकर से, और मैंने और अन्य सभी साथियों ने प्रशासन पे पूरा दबाव बना रखा है। पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम जी व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमान मीणा जी से लगातार वार्तालाप जारी है। राजस्थान के तमाम जो आला अधिकारी हैं उनसे वार्तालाप जारी है। पुलिस थाना SHO माला खेड़ा से मेरी अभी कुछ देर पहले वार्तालाप हुई है। और साथियों, जो पुलिस अधिकारी अगर इस मामले की पक्षपात करता है तो हम उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। पुलिस प्रशासन ने जो गलती की है, पुलिस के अधिकारियों ने अगर गलत का साथ दिया तो राजस्थान पुलिस प्रशासन और राजस्थान सरकार कान खोल के सुन ले। हम लोग इस घटना को लेकर के सड़कों पे उतरेंगे और आंदोलित होकर के प्रशासन का घेराव करेंगे। इस तरीके से जब रक्षक ही पुलिस की भक्षक, जो पुलिस जब रक्षक ही भक्षक बन गई तो आम आदमी किससे न्याय मांगेगा? आम आदमी जो एक पुलिस को अपना एक सहयोगी, एक इंसाफ का एक दाता मान करके पुलिस को बहुत बड़ा मानता है कि कोई जब मुझे न्याय नहीं दिलाएगा तो पुलिस मेरे साथ खड़ी है, और वही पुलिसकर्मी एक आम आदमी को इतनी बुरी तरह बेरहमी से उसको पीटा जाता है। शर्म आनी चाहिए इस राजस्थान पुलिस को, शर्म आ जानी चाहिए इस गहलोत सरकार को, इस राजस्थान सरकार को शर्म आ जानी चाहिए। मालाखेड़ा पुलिस ने इंसानियत को तार तार करने का जो वाकया, जो शर्मसार करने वाला जो कारनामा जो किया है, शर्म आ जानी चाहिए। पूरे पुलिस थाने को सस्पेंड किया जाना चाहिए, जो अपराधी है उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा चलाना चाहिए। अभी हमारे जो आला अधिकारियों से, SP से और अधिकारियों से जो वार्तालाप हुई है, उन्होंने भी संतुष्ट पूर्वक जवाब देते हुए यही कहा है कि हमारे अतिरिक्त एडिशनल जो SP है, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक है, वह मौके पे यानी कि अभी पुलिस थाना मालाखेड़ा में उपस्थित है। वहां के जो डिप्टी है वो थाने में उपस्थित हो चुके हैं, और पुलिस प्रशासन पे दबाव बनाते हुए एक ही बात कहिए, प्रशासन अगर किसी भी प्रकार से लापरवाही करता है इस मामले के अंदर तो राजस्थान के युवा सड़कों पे होंगे, इस घटना को लेकर के सड़कों पे होंगे, चुप नहीं बैठेंगे। इतना गंदा रवैया राजस्थान पुलिस का, एक आदमी जिसने केवल गलती कुछ नहीं, इतनी सी गलती कि पुलिस के रोके जाने पर वह नहीं रुका, उसने अपनी गाड़ी नहीं रोकी, पुलिस ने उसको उठा करके उसको लाठियों से पीटा ग्रुप बना करके। बड़ी शर्म की बात है। सेम राजस्थान पुलिस, सेम। साथियों जो लाइव देख रहे हैं उन सभी साथियों से मेरा अनुरोध है, इस लाइव वीडियो को शेयर करें। और आपको एक चीज और बता दूं, अभी प्रशासन से जो वार्तालाप हुई है उसके अनुसार, उनके कहे जाने के अनुसार बहुत जल्दी कार्यवाही भी होगी और पुलिस को कार्यवाही करनी होगी। अगर नहीं करती है तो प्रशासन अंजाम भुगतने को तैयार रहे। राजस्थान भीम सेना चुप नहीं बैठेगी। मैं रवि कुमार मेघवाल, राजस्थान भीम सेना प्रदेशाध्यक्ष, खुला प्रशासन को इस चीज की चेतावनी दे रहा हूं, अगर मामले में किसी प्रकार से लापरवाही की गई, परिवार को किसी प्रकार से दबाया गया और इस मामले को लेकर के पक्षपात किया गया तो प्रशासन कान खोल के सुन ले इस बात को। हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। प्रशासन हल्के में ना ले, 2018 के बाद में राजस्थान सरकार के, इस कांग्रेस सरकार के राज में अनुसूचित जाति व जनजाति के ऊपर जो अत्याचार, जो डहे हैं,
बड़े ही शर्मनाक है। इस सरकार को, इस मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। और मेरा आप सभी साथियों से मेरी अपील है, इस लाइव वीडियो को शेयर करते रहें, प्रशासन की ईंट से ईंट बजा दो। विरोध बिल्कुल करना चाहिए, अगर गलत है तो उस गलत का विरोध करना चाहिए, बिल्कुल खुलेआम सरेआम उस गलत का विरोध करना चाहिए। साथियों, आज राजस्थान में कोई नेता, कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई साथ नहीं है, कोई किसी पीड़ित के साथ नहीं है, कोई किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति की आवाज नहीं उठा रहा है, दबे कुचलों की आवाज कोई नहीं उठा रहा, पीड़ित अधिकारों से वंचित उनकी आवाज कोई नहीं उठा रहा। सारे ये जो एमएलए एमपी जो बन के बैठे हैं आज कांग्रेस भाजपा के पालतू तीतर बन के बैठे हैं, इन पालतू तीतरों को जवाब देते हुए, प्रशासन को जवाब देते हुए हम लोगों को इनकी छाती पे, इनकी छाती पे पांव रख करके, इनके मुंह पे इनको ललकारते हुए इनसे एक ही बात कहना चाहते हैं, आज ये घटना हमारे लोगों के साथ में हो रही है, जिस दिन तुम्हारे साथ होगी तुम खुद खून के आंसू रोओगे, खून के आंसू रोओगे तुम लोग। उस दिन जब तुम समाज को पुकारोगे उस दिन समाज तुम्हारे साथ नहीं होगा। बड़े शर्म की बात है, ये जो विधायक और ये सांसद जो बनके बैठे हैं पालतू तीतर, दरी पट्टी उठाने का काम करते हैं।